नमस्कार, मैं नेहल, एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां कांग्रेस दल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे मध्य प्रदेश में करीब आ रही है, वैसे वैसे भाजपा के खेमे में बैठकें तेज हो रही हैं। मंगलवार को बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के सत्ता और संगठन से जुड़े मुख्य नेता शामिल हुए थे। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद देर रात करीब 8 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मौजूद मंत्रियों को डिनर पर बुलाया। डिनर के बाद सीएम ने करीब 1.5 घंटे तक मंत्रियों के साथ चर्चा की। डिनर के पहले सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ वर्चुअली मीटिंग करके खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही सभी मंत्रियों के साथ वन टू वन चर्चा भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना, दमोह, सागर, छतरपुर, नीमच, नर्मदापुरम, देवास और इंदौर जिले के कलेक्टर से खाद की उपलब्धता, वितरण केंद्र संख्या, वितरण व्यवस्था और इस माह की संभावित मांग के अनुरूप आपूर्ति के प्रबंध के संबंध में बातचीत का निर्देश दिए। सीएम अब इस मामले में शुक्रवार को फिर से समीक्षा करेंगे। बैठक से बाहर निकलने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही अगले 3 महीने के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। नाम जोड़ने, हटाने या फिर संशोधन के लिए 30 दिन मिलेंगे। खास बात यह है कि 17 साल से ज्यादा उम्र है और तो भी आप नाम जुड़वा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पोलिंग बूथ लेवल पर 4 दिन विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जानिए नाम जोड़ने और हटाने और कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और चुनाव आयोग 9 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कर रहा है, यानी 1 महीने तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को से लेकर हटाने और करेक्शन करने का मौका है। इसके लिए पोलिंग बूथ पर 4 दिन का विशेष कैंप भी लगाया जाएगा। यह दिन 11 नवंबर, 13 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर है और इन दिनों में शनिवार और रविवार आ रहा है। ऐसे में पोलिंग बूथ पर जाने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और वर्ष 2023 के 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लिस्ट में नाम जुड़वाने का आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। जिनकी उम्र 17 साल से अधिक है वो भी लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से पेसा एक्ट के नियम को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और गृह विभाग के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसका कारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम सभा को नियम से बाहर जाकर ताकतवर करने वाले प्रावधान तैयार किए हैं, जिसे गृह विभाग ने लौटा दिया है। इसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बिरसा मुंडा जयंती पर पैसा कानून के नियम लागू करेगी। ग्राम सभा को ताकतवर बनाया जा रहा है। यह नियम गजट में प्रकाशित होने के बाद आदिवासी ब्लॉक वाले 12,350 गांवों में लागू होंगे। इन्हें मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार यानी पैसा नियम 2022 कहा जाएगा। इसका ड्राफ्ट पंचायत विभाग और अनुसूचित जनजाति विभाग ने बनाया है। कानूनी अड़चन दूर करने के लिए गृह एवं विधि विभाग की टीम ली गई है। और तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है यह पैसा एक्ट। पैसा एक्ट आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है। इसमें निर्णय लेने के लिए पारंपरिक प्रणाली को मान्यता मिलेगी। केंद्र में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 कानून लागू किया गया था और वर्तमान में 5वें अनुसूचित झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में ये लागू है। मध्य प्रदेश में कानून लागू तो हो रहा है लेकिन इसमें अधिकार काफ़ी सीमित थे। नए नियम के बाद ग्राम सभा सशक्त होगी। फिलहाल अभी लेते हैं और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।